हेलो फ्रेंड, आज मैं ये हाफ बेक्ड और थोड़ा स्मोकी कोलकाता क्ले पॉट का क्रंच बताऊंगी। ये है नॉन बेक्ड वेरी अर्दी क्ले पॉट और ये है रेड खाड़ी पेस्ट। और मैंने ये पानी लिया है थोड़ा सा, तो ये पानी का आज मैं वेट क्रंच बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है फ्रेंड, देखिए इसका स्मेल बहुत अच्छा है। थोड़ा पानी पीऊंगी फ्रेंड। अब इसका एक ठोलूंगी कंच। बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा अर्दी है, बहुत ज़्यादा अर्दी है फ्रेंड। ये बहुत सॉफ्ट है, मैं एक रेड क्ले के संग में ले रही हूँ पेस्ट के संग।
फ्रेंड्स, तो मैंने आज आपको दिखाया कि कोलकाता हाफ बेक्ड का क्रंच पानी से लेकर दिखाया मैंने वेट क्रंच, और मैंने नॉन बेक्ड का क्रंच लिया, ठीक है फ्रेंड, रेड खाड़ी क्ले पेस्ट के साथ। लेकिन फ्रेंड, आज मैं आपको कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ, ठीक है। मैं भी एक सेलर हूँ एंड पढ़ी लिखी हूँ फ्रेंड, फिर भी ये काम मैं कर रही हूँ, मुझे अजीब लगता है, लेकिन क्या करें। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मिट्टी खाने की चीज़ नहीं है, ये एक गलत एडिक्शन है जो हम लोग को लग चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो उसको पीका बोलता है, बॉडी में कुछ डिफिशेंसी होता है फ्रेंड, तो उसके कारण हम लोग को ये एडिक्शन लग जाता है। मैं छोटे से खाती हूँ फ्रेंड, और मैं किसी को रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप ये चीज़ खाओ, क्योंकि ये खाने की है नहीं। तो फ्रेंड, मैं बताऊँगी आपको कि देखिए, अगर हम लोग खाते भी हैं ना फ्रेंड, अगर स्लेट आइटम खा रहे हैं या कोलकाता क्ले पॉट का बेक्ड वाला खा रहे हैं, तो ठीक है। मेरा सजेशन है फ्रेंड, ये नॉन बेक्ड कोलकाता क्ले पॉट ना खाए। इसलिए फ्रेंड, ये अर्दी तो काफ़ी जाता होता है, तो हर टेस्टी चीज़ हेल्दी हो ये तो मालूम है कि नहीं होता, ये बहुत अनहेल्दी भी हो सकता है फ्रेंड, क्योंकि ये बेक्ड नहीं किया हुआ है और ये मिट्टी है, ठीक है फ्रेंड। इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनाइज्म रहते हैं फ्रेंड, बहुत सारे वर्म रहते हैं जो उसका अंडा या कुछ भी सोच सकते हैं अब इसमें रहता है, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर बेक्ड होने के कारण अगर बेक्ड वाला लेते हैं ना फ्रेंड, तो उसमें वो किल्ड हो जाता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी फ्रेंड, आप कोई सा अगर क्ले का आपका एडिक्शन है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ नहीं खाओ, लेकिन किसी का नहीं खाने से अगर आप अच्छे हो जाओ तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको लगे कि नहीं मुझे क्रेविंग हो रहा है, मुझे खाना ही है, तो फ्रेंड मैं सजेस्ट करूँगी हमेशा कोई भी रोस्टेड क्ले ही खाए। अगर कोलकाता क्ले पॉट भी खा रहे हैं ना फ्रेंड, तो रोस्टेड ही खाए, अनरोस्टेड ना खाए फ्रेंड, ये रिक्वेस्ट है मेरा, आगे आपकी मर्जी फ्रेंड। तो क्योंकि ये मैंने बहुत नज़दीक से इसको सोचा है इसके बारे में, तो मुझे ये देखिए एकदम नॉन रोस्टेड है ये, क्योंकि जैसे मिट्टी होता है ना, बस उसको आकार दिया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें देखो, तो हमारे हाथ में भी बैक्टीरिया रहता है और हर जगह बैक्टीरिया रहता है, और ये तो मिट्टी है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और या तो फिर वर्म सब प्रेजेंट होता है फ्रेंड। ये जस्ट सन ड्राइड भी ठीक से नहीं हुआ हुआ है, लेकिन बेक्ड जो होता है ना, वो फुल्ली बेक्ड हो जाता है, अगर उसमें कुछ है भी तो वो किल्ड हो जाता है फ्रेंड। तो ये मैंने सच्चाई बताया आपको, ठीक है फ्रेंड, और कोशिश कीजिए इसको सोलो ना करें। अगर रोस्टेड के लिए भी खाते हो फ्रेंड, तो सोलो नहीं ना करें, क्योंकि इसमें अनहेल्दी हो सकता है फ्रेंड, ओके। और कोशिश करिए कि ये आदत छोड़ दीजिए, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ फ्रेंड, ओके फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय।